क्या आपको कोई ऐसी परेशानी है जो आपके अंदर ही अंदर शिद्दत अख्तियार कर रही है? क्या आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं अपने ही काम के अंदर? अब चाहे आप एक स्टूडेंट की हैसियत से स्टडी कर रहे हैं या कोई जॉब, आपका खुद का कारोबार है या कोई घर के काम को लेकर कोई उलझन, जब हम आज़ादी के मुतालिक सोचते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हम अपने दिमाग के अंदर लाते हैं जो हमें अपनी ही ज़हनियत के गुलाम बनने के ऊपर मजबूर कर देती है। हमारे पास टाइम नहीं क्योंकि हम जॉब करते हैं, हमारे कर्जे, घर के परेशानियाँ और फ्यूचर की सोच एक ऐसा फुल स्टॉप लगा देती है ज़िंदगी के उस मोड़ के ऊपर जहाँ से हम यू टर्न नहीं लेते तो शायद ज़िंदगी कुछ और ही होती। लेकिन अभी वक्त है आपके पास जब आपको यकीनन सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी के मुतालिक, ताकि आप खुद को आज़ाद करवा सकें अपने ही ज़हनियत की गुलामी से। हमारा दिन, हमारे ज़ात एक फ़िक्र में गुजरती है। लोग कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इस रास्ते के ऊपर चले जाओ, यही एक रास्ता है, वरना लोग पीछे छोड़ के आगे गुजर जाएंगे। और जब उनसे पूछा जाता क्यों, किस लिए, तो जवाब मिलता है खुशी, वक्त, अमन, आज़ादी के लिए। बट दीज आर नॉट द गोल्स, ये कोई मकासद नहीं है जो ज़िंदगी के एक मरहले को तय करने के बाद हम हासिल कर लेंगे। बाज़ औक़ात हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब हम हार्डवर्क करेंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाएगी, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब खुशी, वक्त, अमन और आज़ादी हमारी होगी। इसी वजह से हम तमाम मुश्किलात और परेशानियों को बर्दाश्त कर लेते हैं और सख्त मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत के घर थके हुए आते हैं, मूड ख़राब होता है जिसके लिए हम सारा दिन सख्त मेहनत करके आए, उसके साथ मुस्करा के बात करने की हिम्मत नहीं होती। हमारा कोई चाहने वाला कोई बात कर दे तो हमारे अंदर कोई पेशेंस नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ हम उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कब्रिस्तान बड़े पड़े उन लोगों से जो परेशानी को जेल जेल के मौत को गले लगा लेते हैं। और आपको अपने इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों की मिसालें मिल जाएंगी जिनके घरों में दौलत के अंबार लगे हैं, लेकिन वो रात को नींद की गोली खा के सोते हैं। क्योंकि जब हम ज़िंदगी के असूलों पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि खुशी, अमन, वक़्त और आज़ादी वो चीज़ें नहीं हैं जिनके लिए हमें इंतज़ार करना है बूढ़ा होने का या रिटायर होने का, बल्कि ये तो वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। सो टाइम इज़ नाउ टू बी हैप्पी, खुश रहो और खुशियाँ बखेरो। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। खुश रहें, खुशियां बखेरें, पीस आउट।